हमीरपुर में मामूली विवाद में आखिर फायर क्यों? हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पिपरौदा गांव में मामूली विवाद के चलते गांव के एक व्यक्ति के घर आए चार लोगों ने हत्या के उद्देश्य से गोली चलाई, दहशत फैलाने के लिए फायर किए। गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस को देख फायर करते हुए बाहरी युवक घटना स्थल से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने बाद में इन्हें घेराबंदी कर बीती शाम पाटनपुर पार्क तिराहे पर गिरफ्तार कर दो तमंचे व कुछ कारतूस बरामद किए। आज पांचों युवकों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस मामले में ताबक तोड़ गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने पूरी टीम को 5,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया। सिर्फ मुझे लगता है 7 दिन से है यहाँ सर। नहीं कभी तुम जेल गए हो? कभी तुम लोग कोई आदमी नहीं अभी ये रखा हुआ आया गया है। कोई जेल गया है कभी? तुम बगैर टाइम गए थे? अच्छा लड़ाई में गए तो तमंचा पुलिस ने कहाँ से लगा दिए तुम्हारे? हम तो शरीफ लोग लगते हो, अच्छे पढ़ते हो? कोई है? कौन पढ़ता? कोई नहीं है। ये तमंचा पुलिस ने कहाँ से लगा दिए तुम्हारे? ये तमंचा पुलिस ने लगाया है? तुम्हारे तुम्हारे नहीं। थोड़ा आप बता दीजिए क्या घटना है? ये 14 तारीख की शाम को 8:30 बजे रात में एक शिकायत मिली। इस्लामुद्दीन ने लिखी सूचना दिया कि नसीम उसका पड़ोसी गांव का, ये नसीम और लाला ये पड़ोस में चलनी मांगने गया था तो कहा तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं। उसके घर 3-4 लोग बता रहे और आए थे और वो इसी बात पर लेकर के जब उसने कहा भाई मेरा गांव है मैं जो जहाँ बोलूँगा तो इसी बात पर वो गाली गुप्ता देने लगे। उसने मना किया तो मारपीट पर मादा हो गया और तमंचा वगैरह बता रहा उसने कि फायर किया। तो इस पर थाने पर 307 का और मारपीट का मुकदमा पंजीकृत हुआ और कप्तान साहब द्वारा तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, जिस वजह से उसी में कल रात में शाम को 6 बजे इन 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई और इनके कब्जे से जिससे इन्होंने फायर किया था 2 तमंचे और 5 कारतूस जिंदा कारतूस बरामद किए। उसमें लोग अधीक्षक ने इस पर कोई पुरस्कृत किया? 5,000 रुपये गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को जल्दी गिरफ्तार करने पर 5,000 रुपये पुरस्कार। लोग बता रहे हैं जब पुलिस पहुंच गई तब भी इन्होंने फायर किया था? पुलिस पहुंचने पर फायर की कोई बात ऐसी नहीं है। हमीरपुर से टॉप न्यूज संवाददाता इकराम राइन की रिपोर्ट।